close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हेलो गाइस, आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी अच्छे। गाइस अभी हम फिलहाल अपने घर में, और ये घर है जो आप दिख रहे हैं, इस घर में जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप मेरा घर नहीं है, मेरे जीजा घर है, और मेरा अपना भी घर नहीं है। और क्योंकि इस चीज़ आप इसीलिए बता रहे हो क्योंकि मेरा, आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो और आप लोग मेरे यूट्यूब में जुड़े हो, इसलिए आपको बता रहा चाह रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मेरे मम्मी के 1 साल हो गया, आज लेके 1 साल हो गया, मेरे मम्मी के डेट हो चुका है, जिसके कारण से मुझे जीजा घर में रहना पड़ता। मैं यहाँ से ड्यूटी भी करता हूँ, जिसके तरह से कुछ पैसा से पेमेंट होने के बाद, मैंने कुछ पैसा से मिलने के बाद मुझे घर में देना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी से घर नहीं चलता है। चार पाँच आदमी कमाने से ही घर चलता है, इतना बड़ा फैमिली को, क्योंकि मेरे जीजा, मेरे दीदी, मेरे भाई, मेरा पापा, मेरा छोटा भाई और मेरा भागना भागनी सभी मिलकर हम मिलजुल के साथ में रहते हैं। और YouTube में हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि YouTube इसलिए चैनल खोले हैं क्योंकि YouTube में आपको जगह के बारे में दिखाने के लिए, काफ़ी लोग बोलते हैं जमसे तो घूमने का कहीं जगह नहीं, तो आपका भाई है ना जगह दिखाने के लिए। और कभी भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, मेरे जीजा मजाक उड़ाता है कि यार वीडियो मत बनाओ, ये सब गरीबों के लिए नहीं है, बड़ा आदमियों को, गरीबों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, बड़ा आदमी लोगों को सपोर्ट, बड़ा आदमी लोग ही ये सब चीज़ आगे जाता है, तुम लोग कभी आगे नहीं जाएगा, तुम लोग वहीं का वहीं रहेगा, छोटा आदमी लोगों को नहीं कोई पूछता है। तो प्लीज़ गाइस, मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरे जीजा का एक दिन दिखा सके। और मेरा एक सपना भी है, मेरे मम्मी को हम बोले थे कि एक दिन आपका, हम मम्मी एक दिन हम अपना घर बनाएंगे, तो प्लीज़ गाइस मेरा मम्मी का सपना को साकार कीजिए। मैं ये नहीं बोलेंगे मेरा मम्मी कसम दे, ये नहीं बोलेंगे, बस आप लोग मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका भाई एक दिन आगे बढ़ सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलिए, आप बोलने भूल गया कि आपको कैसे जाना है जिलिंगगोड़ा, ये बता रहे कि आपको स्टेशन थोड़ा सा पार कीजिए, पार करने के बाद एक गोविंदपुर बाजार आता है, बाजार को थोड़ा सा पार कीजिएगा, एक गाँव आता है, गाँव को थोड़ा सा पार कीजिए, वो गाँव के बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर यह बता रहे गाँव को पार करने के बाद एक जंगल है, जंगल को थोड़ा सा पार कीजिएगा, पार करने के बाद उसके बाद जिलिंगगोड़ा जहाँ पे एक झरना है, बहुत काफ़ी लोगों तो वहाँ झरना है, बहुत ही जो जाते बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, नहाने के लिए, विजिट मतलब नहाने, एंजॉय करने, सब कुछ इंजॉय, पिकनिक विकनिक सब कुछ घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, काफ़ी लोग जाते हैं, तो आप लोग भी सोच जाइए, इंजॉय कीजिए, चलते हम लोग वहाँ पे, वीडियो में बने रहिए। और मेरे साथ एक मेरे दोस्त भी जा रहा है, उनको भी साथ में लेके जा रहे हैं, तो चलते हम लोग वहाँ पे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। गाइस देख सकते हैं बहुत ही जूता में पूरा फट चुका, जूता पहन रहे हैं, और जूता देखा कैसा आ रहा वीडियो, गरीबों का जूता है अभी फट गई, थोड़ा से पहन के जरूरी है, जाना जा रहे हैं दूसरी हर से, घुस रहा नहीं है, अरे घुस जा यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ घुस गया, जैसा तैसे घुस, अरे यार उल्टा घुसा दिया, मैंने तो हाँ घुस गया, थोड़ा से उसको बांध ले रहे हैं, तो गाइस अभी हम घर से निकल गए और अभी जिस बाइक से जाने वाले वो बाइक आपको दिखा रहे हैं, ये बाइक में जाने वाले हैं। तो अभी चाबी लगा दिए हैं, चाबी लगा रहे हैं, चलते हम लोग वहाँ दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जाने वाले अपना दोस्त को लेने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जिस बाइक से जा रहा हूँ वो दिख सकते हैं, ये बाइक से जा रहा हूँ, तो आप लोग
चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं, उन लोगों ने बने रहिए। गाइस अभी हम लोग फाइनली जिलिंगवाड़ा पहुंच चुके हैं और जिलिंगवाड़ा का जिस रास्ता में देख सकते हैं, सामने में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग सामने बाइक खड़ा किए और सामने में जो यहाँ पे कांटा लगा दिए, इसीलिए क्योंकि पता नहीं यहाँ के आदमी लोग, पहले रास्ता था पर अभी ये रास्ता को बंद कर दिए। तो फाइनली आप लोग कभी भी बाइक लेकर आइएगा तो कार अच्छे से यहाँ रह सकता है, जगह अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आपको बाइक यहाँ रखना पड़ेगा। और यहीं से हम लोग अभी टर्न निकले, ए रोड जो दिख रहा है एसी रोड से हम लोग निकलेंगे अंदर और ठीक जिलिंगवाड़ा का वहीं पे पुल है, मतलब झरना है जो बहुत ही काफ़ी सुंदर है और देखने के बाद आपको अच्छा लगे, खुद आप आइएगा। और एक बात, आज हमारे साथ है आर्यन ब्लॉग, जो बहुत दिन के बाद, काफ़ी बहुत दिन के बाद मेरे साथ आज ब्लॉग बनाने निकल चुके हम लोग दोनों भाई मिलके। तो सो इसकी लिंक हम डिस्प्ले में दे देंगे। वीडियो अगर इनका भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको सपोर्ट कीजिए और प्रकाश भाई को भी सपोर्ट किए। तो चलते हम लोग दिखाते, तो आप लोग बेसक वीडियो में बने रहिए। जा रहे हैं और अभी आपको दिखाने जा रहे हैं और मेरे पीछे में आर्यन जी जो पीछे पीछे आ रहे हैं अपने कैमरा लेके। हम लोग कांटा से गुजर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, रास्ता इतना भयानक है कि आप लोगों के लिए आपका भाई रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे भी। और जगह तो बहुत सुंदर है, देखने के बाद आप लोग खुद यहाँ पे आइएगा, पिकनिक स्पॉट भी जगह है। और यहाँ एक बात बोलने चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मतलब लेट मत कीजिए, क्योंकि गांव देहात में जगह है और यहाँ पे उतना आदमी भीड़ नहीं रहता। तो चलते हम लोग और अब दिखाते अभी कि किस कैसे जगह है, कितना सुंदर जगह है। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली डैम के पास और झरना बहुत ही सुंदर है, अभी जाएंगे जहाँ पे झरना में पानी गिर रहा है उस जगह में भी जाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में फिर से बने रहिए। देख सकते हैं, देखिए गिर जाएगा रे। उससे पार होइए भैया, उससे पार होइए। हम लोग इतना रिक्स लेंगे गाइस, अब देख सकते हैं उस जगह जाने के लिए, और हम लोग चलेंगे जरूर, जब बोले हैं तो जाएंगे जरूर आपका भाई। तो चलते हैं, क्या बोल रहे हैं आर्यन ब्लॉक। कोई दिक्कत नहीं, चलना। आप फाइनली अब वहाँ से जाने का कोशिश कर रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और आपके भाई इस तरह से हर वीडियो में रिक्स लेते हैं, और प्लीज भाई को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए आपका भाई रिक्स ले रहे हैं। और अभी हम लोग शू खोलेंगे यहीं पे, और क्योंकि वहाँ पे बहुत स्लिपिंग होगा, मतलब बहुत कुछ हम लोग गिर भी सकते, इसलिए जूता उधर खोल के हम लोग जाएंगे। कहाँ खोलेगा जूता भाई? यहाँ हेलमेट बैग आप लोग यहीं रखिएगा ना। नहीं नहीं लेके जाना है। अरे हेलमेट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है ना यार? हेलमेट कोई बात नहीं, यहाँ साइड में हेलमेट रखे। ओए कहाँ, ओए अरे यहाँ यहाँ हेलमेट खोलो, यहाँ हेलमेट रख दे रहे, जूता भी यहीं खोलो, यहीं खोलो। तो हम लोग अभी यहाँ पे रखा है हेलमेट, दिखा ऑन कर दिया वीडियो। चल एकदम देखते रहना उधर से इस जगह, ठीक है? अरे पैंट वैंट खोल देगा तो फिर पहनेंगे क्या? पैंट पहन के नहाएंगे तो पैंट भी खोल देगा। हाँ खोल देगा पैंट पहन के, फिर पहना ही पैंट पहन के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Thank you.
लोग यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो कभी एक बार ज़रूर आइएगा। जगह बहुत ही अच्छा जगह है, प्लेस बहुत अच्छा प्लेस है, पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे देख सकते फुवारा सब बहुत सुंदर है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए। यहाँ फ्री मसाज भी होते हैं पानी के तरह से, इतना अच्छा लगे कि आप बहुत अच्छा लगे, जाने का मन नहीं कर रहा, पर मन तो नहीं मान रहा जाने का, फिर जाना तो पड़ेगा। तो बस इतना कहना चाहो कि आपने मेरे वीडियो में अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेगा प्रकाश भाई एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय, टेक केयर।